रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। घरों और मंदिरों में गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू, सजी गजानन की झांकियां, पूजा पाठ, आरती और प्रसाद वितरण। महोत्सव शुरू, गणपति बप्पा मुरैया, मंगल मूर्ति मुरैया। रायबरेली, शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के साथ ही गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल और शासन के निर्देश को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पंडाल नहीं सजाए गए हैं। घरों में भक्तों ने गणेश प्रतिमाओं की विधि विधान से स्थापना की। वहीं मंदिरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार और पूजन आरती हुई। अब लगातार 10 दिन गणेश प्रतिमाओं का पूजन होगा और 11वें दिन उनका विसर्जन किया जाएगा। छोटी बाजार के राजा की हुई विधि विधान से स्थापना। रायबरेली छोटी बाजार के राजा की विधि विधान से स्थापना हुई। इस गणेश उत्सव का यह 47वां आयोजन है। भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना, हवन पूजन के बाद आरती और प्रसाद वितरण हुआ। प्रातःकालीन आरती सुबह से 9 बजे व रात्रिकालीन आरती रात से 9 संपन्न होगी। आयोजक दिनेश चंद्र कक्कड़ ने बताया कि यह परंपरा जिले में 1974 से उनके पिता स्व प्रकाश चंद्र कक्कड़ ने शुरू की थी। इस अवसर पर अभिषेक कक्कड़, पुष्पा कक्कड़, नीता सहगल, घनश्याम चौरसिया, मनीष, अजय, अमन, पूजा, सुमित आदि भक्तगण मौजूद रहे। विधि विधान से हुई गणपति बप्पा की स्थापना। शहर के राधा कृष्ण मंदिर के पास चौरसिया परिवार द्वारा श्री गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। जजमान मनोज कुमार चौरसिया और माया चौरसिया ने अपने घर पर स्थापना की। पुरोहित पम शिव कैलाश दुबे ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर गणपति बप्पा की स्थापना कराई। पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। मनोज कुमार ने बताया कि घर पर 10 दिनों तक पूजा अर्चना चलती रहेगी। 11वें दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। बप्पा की स्थापना और पूजन के दौरान मानसी पूजा, पूर्णिमा, साधना, चौरसिया, खुशी, स्वास्तिक, मनु अमन आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा रामेश्वर महादेव में गणपति पूजा शुरू। सताओं ब्लॉक के पूरे लालजी मजरे सुल्तानपुर खेड़ा गांव में बाबा रामेश्वर महादेव मंदिर में गणपति पूजन विधि विधान से शुरू हो गया है। श्रद्धालु लक्ष्मी मिश्रा, अभिलाषा और आकाश ने बताया कि लगातार 10 दिन तक सुबह शाम गणपति का विधि विधान से पूजन होगा और मोदक तथा